क्ले व्हीकल टॉयज। किस्मतपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहता था। एक दिन वो खिलौने बना रहा था कि उसका बेटा चिंटू आया। बापू, सचिन के पिताजी ने उसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कर दिया है। उसे एक बार चार्ज किया तो दो दिन भर उसे चला सकते हैं। काफी तेज चलती है। मैं उसे बहुत बार पूछा कि एक बार चलाने के लिए दे दो, पर उसने नहीं दिया, हाथ भी लगाने नहीं दिया। मुझे वो बाइक खरीद के दो ना बापू। वो कितने का है बेटा? 10,000 का है। बाप रे, इतना महंगा है, तब तो हम नहीं खरीद पाएंगे बेटा। एक काम करता हूँ, वो नहीं देता है तो ना सही, मैं तुम्हें क्ले के कुछ खिलौने बनाकर देता हूँ, तुम उनके साथ खेलो। मिट्टी के खिलौने हैं तो वातावरण को दूषित नहीं करते। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें बड़े सुंदर खिलौने बनाकर देता हूँ, उन्हें देखकर तुम हैरान हो जाओगे। उस रात को कई किस्म के क्ले व्हीकल टॉयज बनाया। अगले दिन सवेरे चिंटू को बुलाकर, अरे चिंटू, ये लो क्ले व्हीकल टॉयज, इसके साथ खेलो। तेरे दोस्त के पास एक ही व्हीकल होगा, पर तुम्हारे पास देखो कितने व्हीकल्स हैं। जाओ, हर रोज एक नए खिलौने के साथ खेलो, अपने दोस्तों को भी दो। कहते ही चिंटू उछलकर, थैंक्स बापू, तुम ग्रेट हो, मैं हर रोज एक क्ले व्हीकल टॉय के साथ खेलूंगा, कहकर एक क्ले व्हीकल टॉय को ले जाकर सचिन को दिखाते हुए, ए सचिन, देखा मेरा क्ले व्हीकल टॉय कैसा है। यही नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉयज है, मैं तेरे जैसे नहीं हूँ, अपने दोस्तों को भी खेलने के लिए दूंगा। यूं दोस्तों को देने लगा तो सब चिंटू के गुनगाने लगे। ये देखकर सचिन को बहुत गुस्सा आया, अपने इलेक्ट्रॉनिक बाइक से उसके सारे क्ले टॉयज को ठोकर मारकर चूर चूर कर दिया। ये देखकर सचिन जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या, मिट्टी के खिलौने एक ही ठोकर में टूट गए। अरे जाओ, चाहे जितने भी तुम क्ले टॉयज लेकर आओ, उनका यही हशर होगा, सबको ऐसा ही तोड़ दूंगा, कहकर उसका मजाक उड़ाकर भेज दिया। टूटे हुए खिलौनों को उठाकर रोते हुए चिंटू अपने पिताजी के पास गया, उन्हें फेंकते हुए, देखा बापू, तुमने कहा था कि बहुत अच्छे खिलौने हैं, पर सचिन के बाइक के एक टोकर से सारे चकनाचूर हो गए, उसने मुझे बहुत रुलाया बापू। कोई बात नहीं बेटे, कल मैं तुम्हें एक बढ़िया व्हीकल बनाकर दूंगा, उसे सचिन आकर ठोकर मारेगा तो उसका व्हीकल ही चकनाचूर हो जाएगा, कहकर अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग क्ले जीप बनाकर दिया। चिंटू उसे सचिन के पास ले गया। क्यों चिंटू, कल ही मैंने तुम्हारे खिलौनों को तोड़ा तो तुम्हें अकल नहीं आई, आज तुम्हारा कमर तोड़ूं और उसके भी मैं टुकड़े टुकड़े करके तेरे हाथ में देता हूँ, कहकर तेजी से आकर उसको इलेक्ट्रिक बाइक से ठोकर मारा तो सचिन का इलेक्ट्रिक बाइक चकनाचूर हो गया, सचिन नीचे गिर गया। चिंटू और उसके दोस्त हंसने लगे। सचिन रोते हुए घर गया। बेटे को रोते हुए देखकर मंगेश दादा, क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या, ये चोट कैसे लगी, तुम्हारे इलेक्ट्रिक बाइक को क्या हुआ, यूं चकनाचूर हो गया, कहीं गिर गए क्या। तब सचिन रोते हुए, नहीं पिताजी, वो मिट्टी के खिलौने बनाने वाला किशन का बेटा चिंटू एक मिट्टी के बने जीप से आकर मेरे बाइक को ठोकर मारकर उसे चकनाचूर कर दिया और मैं नीचे गिर गया और चोट लगी। यूं झूठ बोला। ये सुनकर बिना सोचे समझे मंगेश दादा जेसीबी को ले जाकर किशन के बनाए मिट्टी के खिलौनों को तोड़कर उसके घर को भी तोड़ने लगा। तेरी ये हिम्मत कि तुम और तुम्हारे बेटे मिलकर मेरे बेटे के बाइक को चकनाचूर करते हो और उसे नीचे गिराते हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, तुझे डर नहीं लगा? अरे मंगेश दादा, ये बच्चों का खेल है, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे फिर मिल जाएंगे, इसके लिए तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा, ये ठीक नहीं किया, चुपचाप मेरा घर फिर से बना कर दो, नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अच्छा, तुम मंगेश को ही धमकी देते हो, तुम क्या करोगे, अरे रहने को घर नहीं है और जेसीबी का धंधा कर रहे मुझसे तुम मुकाबला करोगे, मुझे चेतावनी देते हो, मुझसे ना उलझो।
ठीक है मंगेश, तुम्हें तुम्हारे दादा होने की अकड़ है ना? ठीक है, कल तुम जेसीबी के साथ आओ, मैं अपने खिलौने के साथ आता हूँ। हो जाए मुकाबला, तुम जीत गए तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे और नया घर बना कर दोगे। दोनों मानकर चले गए। टूटे हुए घर के पास बैठकर मिट्टी से एक जेसीबी बनाया। अगले दिन मंगेश एक लोहे के जेसीबी के साथ वहां पहुंचा। आकर मंगेश, क्यों किशन, मिट्टी का जेसीबी बनाया है? चलो अभी मेरे लोहे के जेसीबी से इसे चकनाचूर करके उठाकर इसे दूर फेंकता हूँ। कहते ही किशन अपने जेसीबी का हैंडल को हिलाते हुए आगे बढ़ा। दोनों के जेसीबी के टकराते ही मंगेश के जेसीबी टूटकर बिखर गया। लोग हंसने लगे। मंगेश किशन के पैरों में गिरकर उसे माफी मांगा और नया घर बना कर दिया। उसमें किशन और चिंटू खुशी खुशी रहने लगे। जायंट रिंग बुल जंप। गांव किशकिंदा नाम के गांव में बजरंगी नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। एक बार उस लड़के को अपने किताबों में बताए हुए जानवरों को प्रत्यक्ष रूप में देखने की इच्छा हुई। उसने तुरंत अपने 8 साल की बहन को लेकर गांव के पास वाले जंगल में गया। यूं वे दोनों बच्चे जंगल में पंछियों को और हिरणों को देखकर खुश हो रहे थे कि अचानक उनका सामना एक शेर से हुआ। उस शेर को देखकर मुन्नी डर गई। इससे पहले कि वो शेर हमें खा जाए हमें भाग जाना चाहिए, चलो, कहकर अपने भाई का हाथ पकड़कर वो पास वाले झाड़ियों में भागी। शेर उनका पीछा करते हुए भागता हुआ आया, पर क्योंकि वो बड़े आकार का था इसलिए झाड़ियों के अंदर वो घुस नहीं पाया। ए बच्चों, तुम दोनों ज्यादा देर तक इन कांटों की झाड़ियों में छिप नहीं सकते, तुम दोनों के बाहर आते ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। कहते हुए वो शेर झाड़ियों के पास ही बैठ गया। झाड़ियों में छिपे बजरंगी और मुन्नी सहमे हुए थे, तभी उन्हें एक बूढ़े बंदर के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चे उस ओर देखने लगे। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया जो हिल नहीं पा रहा था और दर्द से कराह रहा था। बच्चों, उस शेर से तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बजरंगी, जल्दी बताइए बंदर मामा, हमें घर जाना है। बताता हूँ, पर एक शर्त है, मैं खाने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा भूख मिटाओगे तो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तब मुन्नी ने अपने बैकपैक में से फ्रूट्स और ब्रेड निकालकर बंदर को दिया। तब बूढ़े बंदर ने खुश होकर एक जायंट रिंग उन बच्चों को देकर, बच्चों ये एक जादुई रिंग है, इसमें से कोई जानवर छलांग मारे तो वो दूसरे जानवर में बदल जाएगा। तुम दोनों जाओ और उस शेर को इस रिंग में से छलांग मारने के लिए उकसाओ, तब वो कोई और जानवर में बदल जाएगा, तब तुम दोनों जीवित बचकर घर जा सकते हो। तब बजरंग और मुन्नी उस रिंग को लेकर शेर के सामने गए। वाह, मुझे एकदम बढ़िया नर मांस मिला है, कहकर छलांग मारा। तब बजरंग ने जादुई रिंग को शेर के सामने पकड़कर खड़ा हो गया। तब वो शेर रिंग के अंदर से छलांग मारते ही वो खरगोश में बदल गया। वो खरगोश यूं फुदकता हुआ जा रहा था कि एक रीछ उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। भैया, उस खरगोश को बचाओ। तब बजरंग ने रीछ को उस जादुई रिंग में से छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। तब रीछ घोड़े में बदल गया। तब उस खरगोश को बचाकर दोनों बच्चे उस घोड़े पर बैठकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक बाघ आया। उस बाघ को देखकर रेहड़ी में फल बेचने वाला थर थर कांपता हुआ पास वाले बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बाकी लोगों में भी भगदड़ मच गई और सब आसपास के सुरक्षित स्थानों में जाकर छिप गए। सब ये सोच रहे थे कि बाघ से अपने आप को कैसे बचाएं। तब उस भीड़ में अपने माँ बाप के साथ आई मुन्नी। गांव वालों, आप उस बाघ से ना डरो, मेरे भाई आपकी रक्षा करेगा, कहकर बजरंगी भाईजान कहकर जोर से आवाज दी।
तब बजरंग अपने हाथ में जादुई छड़ी लेकर उछलता हुआ वहां पहुंचा। बजरंग को रिंग के साथ देखकर, ए बजरंग, ये सर्कस का बाघ नहीं है जिसे तुम रिंग मास्टर की तरह नचाओगे, ये जंगल से आया हुआ बड़ा बाघ है, जाओ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तब मुन्नी निडर होकर, मुझे मेरे बजरंगी भाईजान पे पूरा विश्वास है, मैं जाके उस बाघ के सामने खड़ी हो जाती हूँ, कहकर मुन्नी बाघ के सामने खड़ी हुई और, बाघ आवो, हिम्मत है तो आवो, मुझे खाओ, कहकर उसे पुकारा। ये सुनकर बाघ जोर से गरजता हुआ मुन्नी की ओर छलांग मारा। तब बजरंगी ने अपने हाथ में पकड़े जादुई रिंग को बीच में रखा, तो बाघ उस रिंग में से गुजरते ही एक भैंस के रूप में बदल गया। ये देखकर मुन्नी के माँ बाप और गांव वाले हैरान हो गए। बजरंगी और मुन्नी उस भैंस पर सवार होकर एक चक्कर लगाकर माँ बाप के पास गए। बोलो बजरंगी भाईजान की जय, कहकर नारा लगाने लगे।